और बड़ी खबर गमरिया से, यहां पर सिलेंडर लदे ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई है। इसमें सिलेंडर लदा ट्रक पलट गया है। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। चौका कांडरा मुख्य मार्ग पर भीषण जाम लग गया है इस हादसे के बाद से। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि सिलेंडर्स उसमें थे। सोचिए अगर आग वगैरह लगती तो कितने सारे ब्लास्ट होते, लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ यहाँ पे सुरक्षित रहा है। हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये बड़ा हादसा टल गया है फिलहाल। लेकिन खबर ये है कि इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में जाम लग गया है, क्योंकि सिलेंडर्स पूरे बिखर गए हैं पूरे सड़क पर, और इस वजह से जाम लग गया है। गाड़ियां रुक गई है और जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल है। ट्रक पलट गया है, क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है। तो ट्रक और ट्रेलर के बीच में ये टक्कर हुई है। और विजय, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके विजय, क्या कुछ जानकारी, क्या फिलहाल अभी भी जाम की स्थिति है और फिलहाल ड्राइवर कैसा है? सर, ड्राइवर की स्थिति अभी जैसे बताया जा रहा है कि उनके पांव में काफी गंभीर चोट लगने से उसे एमजीएम अस्पताल भेजा गया है, और वर्तमान में कांडा थाना पुलिस सारे आवागमन को फिर से सुचारू रूप से चालू करवाया। लगभग एक घंटा की जाम लगी रही। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आज हमारे ही जिले में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था अपने मामा घर में, और उस पूरे कार्यक्रम के मॉनिटरिंग हमारे जिले के उपायुक्त महोदय कर रहे थे, और जिस वक्त घटना घटी, घटना घटने के तुरंत बाद पीछे से ही उपायुक्त महोदय की काफिला भी आ रही थी, जिन्होंने सामने खड़े होकर के पुलिस वाले को दिशा निर्देश दिए और आवागमन को चालू कराया। विजय, विजय जो सिलेंडर्स थे बिखरे हुए थे, क्या वो समेट दिखे या फिर वैसे बिखरे हुए हैं? अभी भी बिखरे हुए हैं, और प्रशासन लगी हुई है कि वो किसी तरह का कोई हादसा ना हो, और पूरे रोड पे प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है और आवागमन धीरे धीरे सुचारू रूप से जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़े आप। तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए कैसे ट्रक, जो सिलेंडर लदा ट्रक था और ट्रेलर के बीच में ये टक्कर हुई है, और इसमें जो ट्रक है वो पलट गया है। ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, एमजीएम पहुंचाया गया, और जो सिलेंडर्स हैं वो बिखर गए थे सड़क पर, इस वजह से जाम लग गया था इस सड़क पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।